नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट हरी मिर्च, जो खाने के स्वाद को तो बढ़ाती ही है और बहुत ही कम समय में बन जाती है। तो चलिए बनाते हैं मजेदार झटपट हरी मिर्च। अक्सर हम बिजी होते हैं, सब्जी वगैरह बनाने का वक्त नहीं मिलता है। ऐसे में आप मिर्च को बड़े ही सरल तरीके से फ्राई कर सकते हैं। जितना इनको बनाना आसान है, उतना ही ये स्वादिष्ट भी बनती हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए 10 से 15 हरी मिर्च। मिर्च को बीच में से काट लें ताकि फ्राई करते वक्त ये फटे नहीं और मसाला भी अच्छे से इनके अंदर तक चला जाए। मैं इन मिर्चों को लंबा ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो इनको छोटे टुकड़ों में काट लें। मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच राई, आधा चम्मच सौंफ, इन दोनों को हम दरदरा कूट लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और 1 छोटा चम्मच बेसन। इसके अलावा हमने लिया है थोड़ा सा दही और कुटा हुआ लहसुन। कढ़ाही में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालें और उसे गरम कर लें। गैस की फ्लेम को कम ही रखें, तेज फ्लेम होने पर मिर्च जल जाती हैं। अब राई और जीरे का तड़का लगाएं, राई को चटकने दें। हरी मिर्च में राई का तड़का स्वाद को बढ़ा देता है। अब इसमें हरे मिर्च डाल दें और इन्हें हिलाते रहें। आप इन्हें लगातार हिलाएं। अब थोड़ा पानी छिड़कें, जिससे हरे मिर्च का छिलका उतरे नहीं और हरे मिर्च नरम रहे। हरे मिर्च को थोड़ा और पकाएं। अब इन्हें कढ़ाई में ही एक साइड में कर लें और फिर बेसन डालकर बेसन को ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें दरदरे कूटे हुए सौंफ और राई डालें, इन्हें अच्छे से मिक्स करें। सौंफ और राई मिक्स होने पर आप इसमें हल्दी डालें और मिलाएं। अब मिर्च डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। धनिया अच्छे से मिक्स होने पर अमचूर पाउडर मिलाएं।
अब लहसुन डालें और अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। आखिर में दही डालें और अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ कर दें। तो देखा आपने, हरी मिर्च कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई हैं और इन्हें बनाना बड़ा ही आसान है। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।